दोस्तों, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी अदाएं 90 के दशक में कहर ढाती थी, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई नामी अभिनेताओं के साथ काम किया और जिन्हें अमिताभ बच्चन की दूसरी पत्नी या रखेल भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेखा की, जिनकी रियल लाइफ विवादों से ठसमठस भरी पड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी जिंदगी में रेखा कई मर्दों से बिछड़ने के बाद अपने शरीर की भूख इतने लंबे समय तक किस आदमी का इस्तेमाल करके मिटाती आ रही है? दोस्तों, इस बात से तो आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि अपनी जवानी के दिनों में रेखा की नज़र जिस जवान मर्द पर पड़ जाती थी, वे उस मर्द से अपने शरीर की भूख शांत करवाकर ही दम लेती थी, चाहे फिर वह मर्द अक्षय कुमार हो या अमिताभ बच्चन। लेकिन आज हम आपको रेखा की जिंदगी का एक ऐसा सच बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। लेकिन दोस्तों, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रेखा और विनोद मेहरा की शादी के दौरान हुआ एक ऐसा किस्सा जो आज भी प्रचलित है। जब ये दोनों कोलकाता में शादी करने के बाद मुंबई पहुंचे, तो रेखा का स्वागत चप्पलों से किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि रेखा की सास कमला इस शादी को लेकर बेहद नाराज थी और जैसे ही रेखा आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, तो तुरंत उनकी सास ने उन्हें धक्का दे दिया और उन्होंने रेखा को मारने के लिए चप्पल भी उठा ली थी और घर से बाहर भी निकाल दिया था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेखा के माथे का सिंदूर आज भी राज बना हुआ है और लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रेखा अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाती हैं। और अब बात आती है सेक्रेटरी फरजाना और रेखा के संबंध की। आपको बता दें कि रेखा को अक्सर इस लेडी के साथ देखा जाता है। कुछ मैगजीन ने तो रेखा के बाइसेक्सुअल होने का भी दावा किया है। दरअसल रेखा और फरजाना के संबंधों को लेकर अक्सर अटकलें लगाई जाती हैं। खबरों के मुताबिक रेखा के नाजायज संबंध उनकी सेक्रेटरी फरजाना से हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रेखा के पति की आत्महत्या का कारण फरजाना थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।